अभी हम जो ईदगाह वाला सॉरी मस्जिद वाला ग्राउंड है, तो सामने मस्जिद है जो कि वो है, और सामने जो है चर्च है। तो बहुत ही यार मतलब यहाँ पे ना खुला खुला बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। और पास देखोगे ना हर तरफ देखो पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ नजर आ रही है, और बीच में ग्राउंड है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। और ये हमारे छोटे एक्टर जो हैं शूटिंग करते हुए, क्या रील्स शूट हो रही है? कौन सी वाली भाई रील्स? लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, पब्लिक अरे में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है वो ये जगह है, यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, ताल का एक बार आने लायक व्यू, ठीक है, मजेदार नजारा है। तो अभी हम बोटिंग में जाने वाले हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो बोटिंग का अलग से स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे। सो अगर आप नैनीताल आते हैं तो आपको जो है ताल के ही बराबर में, क्योंकि ताल मेरे पीछे सामने ये है, और ताल के बराबर में चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पर छोटी मोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए देखने को मिल जाती है। क्या दिखा रहा? और वो सामने है एक सेल्फी पॉइंट, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं। इधर इधर बिल्कुल हराम को अच्छा चिल्ड्रन पार्क में। दादी यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है यार, ये सीन कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है पार्क। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन पार्क आपको बताया था, तो छोटी मोटी एक्टिविटी अगर आप कितनी से झूला जैसे कि पीछे हांती झूल रही है, और उधर तो मैडम है, और उधर जो है सामने आपको थिएटर मिल जाएगा। अगर आपको मूवी देखनी हो तो जो नई मूवी है रिलीज होती है तो सामने थिएटर है वहाँ पर, तो मूवी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि ये सब यहाँ पर कोई करता नहीं होगा, क्योंकि लोग नैनीताल घूमना है तो मूवी कौन देखेगा। तो यहाँ ऊपर भी कुछ है यार, समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ सेल्फी के लिए है, ये अंदर से बाहर आते हैं ना सेल्फी के लिए है, बाकी कुछ ये है। कैसे घूम रहे हो भाई? बच्चे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था बट स्लाइड वाला है नहीं, उसको बताया। और अब जो है हाँ ताहिर भाई कुछ कर रहे हैं यार, चल चल बाहर कर दूँ मैं, कर दे। अबे तूने तो आराम से कर दिया। बच्चों के बीच एक और बच्चा। सो हमने किया एक पापड़ का जुगाड़, और हम जा रहे हैं मछली देखने के लिए। तो देखते हैं मछली आती हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि ताल में अगर हम ये पापड़ गिराएंगे तो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी। ऐसे कुछ ट्रेजिडी बनाई है हमारे मोनिस भाई ने, तो देखते हैं यार एक ट्रेजिडी काम करती है कि नहीं। है अबे हवा तो है, गिर गई, आई नहीं आई। हाँ ये सही, ये सही, ये सही है। ओ लो 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 लो, आ गई तो बहुत सारी। देखो दादी आया कि नहीं आया, आ रही है ओ तेरी, ये आ गई आ गई आ गई। वीडियो मार रही है भाई, तुम देखना वीडियो मार रही है। आ तो रही है यार। ये ट्रेजेडी और दिमाग से लगाई हुई टेक्निक काम कर गई, और बहुत सारी मछलियां आई और हमें देखने को भी मिली। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो ताल में एक पापड़ या ब्रेड डाल करके देखना भाई, आपको तो ये व्यू देखने को मिल जाएगा।